ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जब हम सीरीज में दो बल्ब को या दो से अधिक बल्ब को जोड़ देते हैं तब कौन सा जो है कि बल्ब हमारा ज़्यादा ब्राइटनेस देता है और कौन सा बल्ब ऐसा है जिसकी ब्राइटनेस बहुत कम होती है। ठीक, तो जैसा कि हम जो है कि यहाँ पर दो बल्ब लिए हैं, एक हमारा 10 वाट का है और एक हमारा 20 वाट का, दो बल्ब हैं। दोनों बल्ब को हमने क्या किया है, सीरीज में जोड़ दिया है। ठीक, सीरीज में जोड़ देने से क्या है कि जब हम इसका टोटल पावर निकालते हैं, चाहे हम दो बल्ब को यूज करें या जो है कि दो हीटर्स को यूज करते हैं, तो जब हम टोटल पावर निकालते हैं, जब हमारे यन क्या है, यन हमारे लोड्स हैं जिनकी पावर क्या है, P1 P2 डॉट 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 PN तक है, तो उसकी जो टोटल पावर होती है 1/PT इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 प्लस डॉट डॉट 1/PN होती है, जो हमारी टोटल पावर होती है जब हम सीरीज में उसको जोड़ देते हैं। ठीक, तो अगर हम यन आइडेंटिकल बल्ब को जोड़ते हैं, मान लीजिए हम 10 बल्ब को क्या करते हैं, 10 बल्ब हैं, ठीक, बल्ब की संख्या कितनी है, 10 है, और इनका जो वाटेज है वो 100 वाट है। ठीक, 10 बल्ब को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका टोटल पी टोटल जो मिलता है वो आपको मिलेगा, टोटल पावर कितनी है, 100 वाट डिवाइड बाई यन नंबर ऑफ बल्ब। ठीक, जो टोटल पावर आपका लॉस होगा वो आपका होगा 10 वाट। ठीक, अगर आप 100 वाट के 10 बल्ब को सीरीज में जोड़ते हैं तो जो टोटल पावर लॉस होगा वो कितना होगा, आपका 10 वाट होगा। ठीक, तो आपकी जो ब्राइटनेस है वो किन किन बातों पे निर्भर करती है। ठीक, जब आप दो बल्ब को सीरीज में जोड़ते हैं, एक बल्ब को हमने 10 वाट का लिया और दूसरा हमारा 20 वाट का है, जब हम इसको सीरीज में जोड़े तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा बल्ब कम वाटेज का है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। ठीक, प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को कर सकते हैं कि एक 10 वाट का जो है कि एलईडी का बल्ब लीजिए, एक 20 वाट का एलईडी का बल्ब लीजिए, दोनों को सीरीज में जोड़ दीजिए। ठीक, फिर आप जो है कि स्विच को ऑन कीजिए, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 10 वाट का बल्ब है ये ज़्यादा ब्राइटनेस देता है, ज़्यादा रोशनी देता है, ज़्यादा तेज जलता है, और जो 20 वाट का बल्ब है ये कम रोशनी देता है, इसकी लाइट बहुत ही कम होती है। ठीक, तो जो ब्राइटनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के, जो उनकी वोल्टेज रेटिंग है, ठीक, जो उनके ऊपर वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, ठीक, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ब्राइटनेस जो बेसिकली है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पी रेटेड के। जैसे कि मान लीजिए आपका एक बल्ब है जिस पे लिखा हुआ है 10 वाट, एक बल्ब है जिस पे लिखा हुआ है 20 वाट। ठीक, तो जिस पे आपका 20 वाट लिखा हुआ है वो बल्ब आपका कम लाइट देगा, और जिस पे आपका 10 वाट लिखा हुआ है वो बल्ब आपका जो है कि ज़्यादा रोशनी देगा। ठीक, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक, वो उसकी भी ब्राइटनेस आपकी ज़्यादा होगी। ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इनके रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जब ये सीरीज में कनेक्ट होंगे। जब ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उसकी बात अभी हम जो है कि अभी जस्ट बात करने वाले हैं जब हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक, ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी हमने देखा कि जब हमारे दो हमारे बल्ब या दो हमारे लोड सीरीज में लगे हों तो जो हमारी टोटल पावर आती है वो अलग अलग उनकी पावर से क्या होती है, कम होती है। लेकिन जब हम किन्हीं दो लोड को, लोड में आपका बल्ब भी हो सकता है, हीटर भी हो सकता है, ठीक, अगर हम दो बल्ब को क्या कर रहे हैं, पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जब पैरेलल में हम जोड़ते हैं इन दो बल्ब को या एन बल्ब को, तो जो टोटल पावर आपको मिलती है पीटी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट PN, ये आपको टोटल पावर मिलती है। जैसे यहाँ पर हमारी जो टोटल पावर कंज्यूम होगी ये हमको मिलेगी 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 वाट जो है कि हमारी टोटल पावर कंज्यूम हो रही है। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक, पैरेलल में हम जब इसको कनेक्ट करते हैं तब जो है कि ब्राइटनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, तब जब हम ये देख रहे हैं कि जब हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो जिसका वाटेज ज़्यादा होता है
उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, ठीक। तो जो ब्राइटनेस है वो पी रेटेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जिस बल्ब का रेटेड ज़्यादा होगा वो बल्ब जो है कि ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। जैसे कि यहाँ पर आपका 20 वाट का जो बल्ब है, इसकी ब्राइटनेस 10 वाट के बल्ब की ब्राइटनेस से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ब्राइटनेस आपकी किन किन बातों पर निर्भर करती है, ब्राइटनेस आपकी करंट के ऊपर निर्भर करेगी, ठीक। और ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, इनमें जो करंट आपकी जा रही है, और इनके जो रेजिस्टेंस है उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और आपकी ब्राइटनेस जो है पी रेटेड, जो इनके ऊपर रेटेड लिखा है, जैसे कि आपका 100 वाट, 20 वाट, 10 वाट, 9 वाट, 7 वाट, ये जो वाटेज हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका वाटेज ज़्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो इन दो बातों से क्लियर हो रहा है कि जब हम दो बल्ब को सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक, दो बल्ब को सीरीज में जोड़ते हैं और डिफरेंट रेटिंग के जोड़ते हैं, तो जिसका वाटेज कम होता है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। और जब हम दो बल्ब को पैरेलल में जोड़ते हैं और उनके वाटेज डिफरेंट हों, तो जिसका वाटेज ज़्यादा होता है वो बल्ब आपका ज़्यादा लाइट देता है, ज़्यादा इल्यूमिनेंस देता है, ज़्यादा रोशनी देता है, ठीक। तो बस इस लेक्चर में बस इतना ही, दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक। तो सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।